पावकानः सरस्वती वाजिनीवती ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए दिव्य जीवन में पुनः आप सभी का बहुत स्वागत है। यहाँ गंगा के किनारे हम बैठे हैं, आप टीवी के माध्यम से ही इसका दर्शन कर पाएंगे। साथ में अलकनंदा नदी बह रही है, उसकी कलकल ध्वनि भी आ रही है और उसके किनारे पर बैठ करके दिव्य जीवन के लिए चिंतन कर रहे हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में भी हम ये चिंतन कर रहे थे कि जैसे ये गंगा नदी बह रही है, ऐसे ही ये हमारे जीवन की नदी भी बह रही है। ये गंगा नदी तो सागर की तरफ जा रही है, वही इसका गंतव्य स्थान है, और अहर्निश बह रही है पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे वेग के साथ। हम भी वेग के साथ तो बह रहे हैं, हमारा जीवन भी नदी की तरह वेग के साथ बह रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है ये हमें नहीं पता है। लक्ष्य की तरफ जा रहा है या कहीं बीच में ही किसी मैदान में जा कर के बिखर जाएगा ऐसे। तो ये हम चिंतन कर रहे थे कि कोई ऐसा ब्रिज हो जिससे कि हम अपने संसार को भी अच्छे से निभा सकें, संसार में रहते हुए भी हम तनावग्रस्त ना हो, हमें ये ना लगे कि कहीं कुछ हमारा छूट रहा है, हमें ये ना लगे कि काश हम भी सन्यासी होते तो ये सारी जिम्मेदारियां नहीं होती, ऐसा भी ना लगे। और सन्यासियों को भी ये ना लगे कि पता नहीं संसार के लोगों को तो वो तो कितना अच्छा अच्छा खाना खाते होंगे, कितने सुखी रहते होंगे, और उनके जो संबल हैं यहाँ तो केवल ईश्वर का संबल है। तो किसी भी मनुष्य को इस तरह की कोई अपूर्णता की अनुभूति ना हो, ना तो गृहस्थी को हो, ना सन्यासी को हो, ना वानप्रस्थी को हो। मनुष्य अपने आप में पूर्णता को लेकर के पैदा हुआ है, और उसमें भी मैंने किसी एक बहुत बड़े दार्शनिक के विचार पढ़े थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि मनुष्य में भी पुरुष और स्त्री को यदि हम देखें तो स्त्री तो 100% अपनी पूर्णता को लेकर के ही पैदा होती है, बाद में उसका विकास होता है, वो जो लेके आई है ना सामग्री। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुरुष में 14-15 साल की उम्र में उत्पन्न होती हैं, उससे पहले नहीं होती हैं उसमें, जैसे वीर आदि धातु उसमें एक युवावस्था में ही उत्पन्न होती हैं। लेकिन जो महिलाएं हैं, छोटी जो बेटी है, कन्या है, वो अपना पूरा अंडकोश लेके ही आती है साथ, तो एक 10-12-14 साल की उम्र के बाद वो विकसित होने लगते हैं फिर एक एक, तो पूर्ण पैदा होती है। तो इस धरती के ऊपर जो महिलाएं इस कार्यक्रम को जो देख रही हैं, और महिला का संबंध बहन का, माँ का संबंध पूर्ण रूप से शरीर से भी नहीं है, क्योंकि शरीर की पूर्णता एक अलग है, लेकिन अंदर जो एक देने का भाव है कि मुझे अपने लिए कुछ भी पाना शेष नहीं, मैं अपने आप में तृप्त हूँ, जो हो मैं अपने आसपास वालों की सेवा कर दूँ, इससे भी ज़्यादा शक्ति है तो पूरे समाज वालों की मैं काम आ जाऊं, इससे भी ज़्यादा यदि भगवान ने निमित्त बनाया है तो पूरे देश के काम आ जाऊं, ऐसी जिनकी भावना है वो माँ का ही रूप है। और उस माँ के रूप को कैसे विकसित किया जाए इस पे हम विचार कर रहे थे। तो उसके अनेक साधन हैं, कोई एक साधन नहीं है, अनेक प्रकार से जीवन को, जैसे किसी एक पौधे को विकसित करने के लिए अनेक साधन होते हैं, उसको अच्छी ज़मीन में भी रोपना पड़ता है, अच्छा जल भी देना पड़ता है, खाद भी देनी पड़ती है,
धूप भी देनी पड़ती है, हवा भी अच्छी होनी चाहिए, उसके आसपास रहने वाले लोग हैं वो भी सात्विक प्रवृत्ति के होने चाहिए। राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति है ना, वो पेड़ पौधे पे भी प्रभाव डालती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए तो पूर्ण विकसित होता है। फिर मैंने सुना कि जिन पेड़ पौधों के पास बैठ करके ध्यान किया जाता है, भजन किया जाता है, सिमरन किया जाता है, किसी मंत्र का जाप किया जाता है, भजन गाए जाते हैं, तो मैंने अपने घर में भी देखा, एक तुलसी माता थी उसके पास बैठ करके हम रोज़ भजन गाते थे, तो उसका इतना विराट, इतना सुंदर स्वरूप हो गया था। बाकी जो दूसरी जगह जो तुलसी माता थी उसका उतना नहीं था, वो इतनी भारी घेर घुमेर और इतनी बड़ी और उसके पत्ते इतने घने, उनका कलर भी इतना सुंदर, उसकी सुगंध भी बहुत ज़्यादा। तो जैसे किसी पौधे के ऊपर उसका पूर्ण विकास करने के लिए चारों तरफ से प्रयास किया जाता है, ऐसे ही अपने जीवन के विकास के लिए, जीवन को दिव्य बनाने के लिए अनेक प्रकार के साधन हैं, अनेक प्रकार से प्रयास किया जाता है। तो उनमें से एक है ये ध्यान या उपासना। केवल मात्र ध्यान से ही पूरा विकास होता है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, उसमें आहार भी कैसा होना चाहिए, आहार का भी रोल है, विचार कैसे होने चाहिए, भाव कैसे होने चाहिए, कर्म कैसे होने चाहिए, तो उसमें बहुत इंद्रियां कैसी हैं, चित्त की स्थिति कैसी है, आसपास के लोग कैसे हैं, कैसे समाज में रहते हैं, कैसे देश में रहते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं। तो अपनी तरफ से जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, कुछ चीज़ों का होता है, जैसे सब्जी को बनाने में बहुत चीज़ों का रोल है, नमक का भी, मिर्च का भी, धनिया का भी, गरम मसाले का भी, लेकिन वो चुटकी भर पड़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल है आलू का। तो ऐसे ही जीवन को दिव्य बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए बड़ा रोल होता है उपासना का, ध्यान का। एक सब महापुरुषों ने बताया ये, एक एक घंटे जरूर उपासना करना चाहिए। एक घंटा नहीं है तो आधा घंटा, 15 मिनट शुरुआत तो जरूर करनी चाहिए हर व्यक्ति को। 6 पॉइंट इसमें हमने उस दिन चर्चा की थी, आज इसको पूरा कर देते हैं। 7वां पॉइंट है एकाग्रता। ऐसा मन जिसमें विषयों के प्रति शून्य भाव पैदा हो गया हो, माने जब कुछ चाहिए ही नहीं, विषयों के प्रति कोई आसक्ति का भाव नहीं है, विषय हमारे लिए शून्य हो गए हैं, तो ऐसा चित्त एकाग्र होता है। माने एकम अग्रम यस्य तत् एकाग्र, केवल एक विषय ही उसके सामने होता है, बाकी कुछ भी सामने नहीं होता है। जैसे अर्जुन को जब तीर मारना था पक्षी की आँख में, तो गुरु ने पूछा कि आपको अर्जुन क्या क्या दिखाई दे रहा है, औरों से भी पूछा, युधिष्ठिर आदि से भी पूछा, दुर्योधन आदि से भी, सभी साथ ही पढ़ते थे कौरव पांडव, तो किसी को पेड़ दिखाई दे रहा था, किसी को सुंदर सा पक्षी दिखाई दे रहा था, किसी को पक्षी के पंख दिखाई दे रहे थे, किसी को उसका मुख दिखाई दे रहा था। अर्जुन से जब पूछा तो बोले जी केवल आँख दिखाई दे रही है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ना पेड़ ना पत्ते पौधे, कुछ नहीं दिख रहा, केवल आँख दिख रही। इसका नाम है एकाग्रता। तो जिस साधक को वास्तव में अपना जीवन दिव्य बनाना होता है, उसको एक ही चीज़ दिखाई देती है कि इस कर्म को करते हुए मुझे दिव्यता की अनुभूति हो रही है या नहीं हो रही, इस कर्म को करते हुए मुझे भगवत्ता फील हो रही है या नहीं हो रही है, इस विचार को, ये जो अभी मेरे मन में विचार आया, ये मुझे भगवान तक ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, बाकी सब मेरे किसी काम का नहीं है। जैसे हनुमान जी महाराज को जब सीता माता ने मोतियों का हार दिया, बेशकीमती उसमें मणिक थे, हीरे जवाहरात थे, वो तो वो उनको तोड़ तोड़ करके ऐसे फेंक दे रहा था, तो जो विभीषण आदि हैं उन्होंने कहा कि भाई ये वानर है, इसको क्या पता इसकी कीमत का, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये बात तो ठीक है, हमें क्या पता हीरे मोती की कीमत, तो बोले आप बताओ आपकी दृष्टि में क्या कीमती चीज़ है, आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं इसमें, बोले मेरी दृष्टि में तो सबसे कीमती चीज़ है भगवान श्री राम और माता सीता, और वो जहाँ नहीं हो वो चीज़ मेरे किसी काम की नहीं है। तो ऐसे जो साधक होता है,
वो हर जगह इस उपासना को केवल सुबह शाम तक सीमित नहीं रखता है। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, ईश्वर प्रणिधानात्वा। आपको कुछ भी नहीं आता है ना करना, आपको जप तप कोई ज्ञान नहीं है, आपको भक्ति भी नहीं है, आपने वेद दर्शन उपनिषद कुछ भी नहीं पढ़ा है, एक साधन आप कर सकते हैं। जो भी आप काम करें, आप खेती करें, बिजनेस करें, व्यापार करें, पढ़ाई करें, खेल में कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कोई सामान बेच रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उस सब में आप एक भाव बना के रखें, मैं जो कर रहा हूँ यही मेरी पूजा है और मैं इसको पूजा के भाव से करूँगा। इसी को शास्त्र में कहा ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान करने से भी इस व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है। क्या मिल जाता है? तो वहाँ व्यास भाष्य में कहा है, आवर्जित है ईश्वर तम अनुगृहणाति अभिध्यान मात्रेण। कह रहे हैं भक्ति विशेषेण, ईश्वर प्रणिधान मतलब, ईश्वर प्रणिधान मतलब भक्ति विशेष, सामान्य भक्ति नहीं, हर समय चित्त बस वहीं लगा रहे सब काम करते हुए, जैसे कि गुरु नानक देव जी का लगा रहता था, जैसे कि संत रैदास का लगा रहता था, जैसे कि मीराबाई का लगा रहता था, जैसे कि नरसिंह मेहता का लगा रहता था। ऐसे कितने संत हुए हमारे यहाँ कि कुछ भी काम करने में उनका चित्त बस एक ही जगह लगा रहता था, तू ही तू। तो इसको कहते हैं भक्ति विशेष। अगर याद करना पड़े उसको तो फिर ये भक्ति की कमी है, उसको हम भुला ही ना पाएं कभी एक क्षण के लिए भी, इसका नाम है भक्ति विशेष। तो वो व्यक्ति फिर कुछ जाने या ना जाने, शब्द में भक्ति विशेषात आवर्जित है ईश्वर है, उस भक्ति विशेष से झुकाया हुआ ईश्वर, ईश्वर भी झुक जाता है उस भक्ति के सामने। भक्ति विशेषात आवर्जित है ईश्वर अभिध्यान मात्रेण अनुगृहणाति तम योगिनम। वो बस पलक भर के एक बार देख ले, अभी ध्यान मात्रेण, संकल्प मात्र से, ईश्वर को कुछ करना नहीं होता है, बस एक संकल्प की दृष्टि उसकी तरफ डालनी है, ये भी मेरा भक्त लगा हुआ है मेरे ध्यान में अहर्निश, बस उसका कल्याण हो गया। और उसमें किसी को दिखाने की भी जरूरत नहीं है, बस अपने मन में भावना रखनी है केवल। तो ये एकाग्रता है, जितनी जितनी एकाग्रता बढ़ेगी हमारी तो ध्यान में भी मन ज़्यादा लगेगा, और ध्यान के बाद जो भी काम करेंगे ना उनमें भी हम उसको ज़्यादा हमें ये याद आएगा कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो उनमें टेंशन नहीं आएगी हमें और वो काम भी अच्छे होंगे। तो ये सातवां उपाय था एकाग्रता। फिर आठवां है आसन। आसन का परिभाषा योग दर्शन में दी है, स्थिर सुखम आसनम। कोई थोड़ी देर के लिए कभी ना कभी किसी ऐसे पोस्चर में बैठें जब संसार की समस्याएं याद नहीं आती हैं, जब शरीर की पीड़ाएं याद नहीं आती हैं, बड़ा उसमें सुख मिलता है बैठ, चाहे वो आप दो मिनट ही बैठें, और आप कैसे भी बैठें, भले ही आप पैर फैला के बैठें, आप सिद्धासन में बैठें, सुखासन में बैठें, पद्मासन में बैठें, बद्ध पद्मासन में बैठें, आप कमर को सीधा रख के बैठें, कैसे भी बैठें आप, लेकिन उसमें आपके शरीर को सुख मिलना चाहिए। तो उसका भी महत्व है, क्योंकि शरीर यदि डोलता रहेगा, वहाँ पर योग दर्शन में ये बताया है अनंत समापत्तिभ्याम, मानो कि आप उस अनंत में आप की तार जुड़ गई है, तो अब कैसा रहेगा, आपकी स्थिति कैसी रहेगी? बस एक बार उस अनंत में खोए तो खो गए, अब सुध ही नहीं है। जैसे रात को अनंत में खो जाते हैं तो क्या होश थोड़ी रहता है कि जब सोए हैं तो पैर किधर है, उंगलियां किधर हैं, हाथ किधर हैं, कुछ भी नहीं पता है। तो ऐसे एक आसन में ऐसे खो गए कि जैसे अब शरीर रहा ही नहीं, जैसे शरीर है ही नहीं, शरीर से अतिरिक्त, शरीर के आप दृष्टा हैं, शरीर अलग पड़ा है, आप उससे अलग हैं। तो ये आसन की महिमा है। निर्भयता,
माने जब भी उपासना आदि में बैठें तो कोई भय या कोई विषय खींचने वाला नहीं होना चाहिए। उस समय आपने गैस के ऊपर दूध रख दिया, दूसरे गैस स्टोव के ऊपर सब्जी रख दी, गैस को सिम कर दिया और आपने सोचा जब तक ये गर्म होंगे तब तक चलो मैं ध्यान कर लेती हूँ 5 मिनट के लिए। तो आप बैठे तो ध्यान में, लेकिन डर ये लग रहा है कहीं दूध ना निकल जाए, कहीं सब्जी ना जल जाए। आपने दरवाज़ा बंद करके बैठे, बोले सब अब एकाग्र होकर के मैं बैठती हूँ, और फिर डर लग रहा है कहीं बच्चे आकर के दरवाज़ा ना खटखटाने लगे, नोक ना करने लगे। तो ऐसी कोई भी भय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जब आप बैठें तब पूर्ण निर्भय होकर के बैठें, आप अपने काम निपटा करके बैठें। हो सके तो आप दोपहर में बैठें, हो सके तो आप सुबह जब सब सो रहे हैं उस समय बैठें, या तो आप रात को सब सो चुके हैं तब बैठें, या तो आपके घर में ऐसी व्यवस्था है कि संध्या के समय सब लोग साथ बैठते हैं तो तब निर्भय होकर के बैठें, और हो सके तो जितनी देर बैठें मोबाइल को भी या तो साइलेंट कर दें या स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि दूसरे ये मोबाइल भी बहुत बाधा डाल देता है। तो ये भी एक इसमें पॉइंट है, निर्भयता होनी चाहिए, क्योंकि मन जैसे ही अभय होगा ना तो वहाँ से दिव्य गुणों की शुरुआत हो जाती है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, ऐसे 24-25 गुण गिनाए हैं गीता में दैवी संपत्ति के 16वें अध्याय के शुरुआत में। तो वहाँ शुरुआत होती है इन दिव्य गुणों की अभय से, निर्भयता से। जब तक व्यक्ति में के मन में कोई भी भय रहेगा तब तक वो दिव्यता को आकर्षित नहीं कर सकता है, अभय नहीं हो सकता है। वो अभय हुए बिना दूसरे गुण आते नहीं हैं। और ये भय रहता क्यों है, इसका भी मूल क्या है? इसका भी मूल है अहिंसा। जब जब व्यक्ति हिंसा करता है तब तब उसके मन में भय आता है। हिंसा का मतलब है जो नहीं करना चाहिए वो करना। जैसे सुबह 4 बजे उठना है और 4 बजे हम उठे नहीं, तो हमने क्या कर दिया, अपने आप की हिंसा कर दी, अपने आप की मतलब उस नियम की हिंसा कर दी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम डरते हैं कि कहीं कोई खिड़की से खोल के मेरे को देख ना ले कि मैं सो रहा हूँ, कहीं कोई आकर के नोक ना कर दे दरवाजे को कि मैं सो रहा हूँ। एक भय की स्थिति बनी रहती है। जैसे हमें जो नहीं खाना चाहिए था वो हमने खा लिया तो हमें भय लगता है ये खा तो लिया कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे मेरे को। हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए था, ज़्यादा खा लिया तो फिर ये भय लगता है कि ज़्यादा खा लिया कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। हमें किसी की सहायता करनी थी और हमने नहीं की और वो व्यक्ति चला गया तो अब हमें अंदर से भय लगता है कि कहीं भगवान बुरा ना मान जाए, मेरे पास तो ये चीज़ थी और मैंने उसको मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है, तो हमने हिंसा कर दी। तो जहाँ जहाँ कहीं भी हम हिंसा करते हैं, या तो कहीं दूसरे को किसी कारण से दुख दे देते हैं या तो फिर अपने आप को दुख दे देते हैं, तो फिर मन में एक भय की स्थिति बनी रहती है। पूर्ण निर्भय नहीं होता है, पूर्ण प्रशांत नहीं होता है। इसलिए अभय यदि होना है तो सबसे पहले अहिंसा में प्रतिष्ठित होना है। अहिंसा परमो धर्म है, इसीलिए कहा बौद्ध धर्म में भी और हमारे अष्टांग योग में भी जो यम नियम हैं, तो यम में सबसे पहला है अहिंसा। अहिंसा के बाद फिर सत्य की प्रतिष्ठिति होती है। गीता में भी जो 25 गुण बताए दैवी संपद के, उसमें पहला बताया अभय, और अभय का भी मूल है अहिंसा। अभय के बाद फिर सत्य, अभयम सत्व संशुद्धि, और अगले श्लोक में बताया अहिंसा सत्यम अक्रोध। तो सत्य हमेशा अहिंसा के बाद ही आता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित होगा तो अहिंसक बन जाएगा, नहीं, पहले वो अहिंसक बनेगा तो उसमें सत्य की प्रतिष्ठा होगी, वरना तो जब तक वो हिंसक है तब तक उसमें भय रहेगा, भय रहेगा तो वो सत्य में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। अगला है ब्रह्मचर्य। जब कोई योगी इस अवस्था में पहुंच जाता है तो वो ब्रह्म का मतलब है विराट या महानता, उसमें आचरण करने लगता है। अर्थात जो प्राचीन ऋषि महर्षि हैं वो
अपनी इंद्रियों के ऊपर अत्यंत संयम करके रहते थे, इसलिए वो बड़े बलवान होते थे। देखने में उनके शरीर ज़्यादा थुलथुल नहीं होते थे, स्थूल नहीं होते थे, लेकिन बल बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि उन्होंने जो सामान्य व्यक्ति अपनी इंद्रियों के विषयों को भोगने में सारी शक्ति को बहा देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उस शक्ति को उन्होंने दसों की दसों इंद्रियों से बचाया। उन्होंने अपनी आँख को, अपने कान को, अपनी जीह्वा को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, मलमूत्र द्वार को, उन्होंने अपने मन को, अपनी बुद्धि को, सब इंद्रियों को उन्होंने अपने वश में करके रखा। सामान्य व्यक्ति की सारी शक्तियाँ बहती रहती हैं। सबसे ज़्यादा शक्ति जो बहती है मनुष्य की, वो बहती है मन रूपी इंद्रिय से। मन से व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, और उसको पता नहीं है कि जैसे कोई घड़े में छेद होता है ना, तो उससे पानी एक एक बूंद करके पूरा निकल जाता है, टप 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 ऐसे करके पूरा पानी निकल जाता है, और लास्ट में घड़ा बिल्कुल खाली हो जाता है। और फिर ये तो इतना नादान है ये मनुष्य तो, कि उस खाली किए हुए को भरता भी नहीं है। पूरे दिन भर कितने विचार किए, जो नहीं सोचना था वो भी सोचा, इधर का भी विचार आया, उधर का भी विचार आया, कभी वो कोई विचार खुशी दे गया, कभी कोई विचार आंसू दे गया, कभी कोई विचार तनाव दे गया, कभी किसी विचार ने गुस्सा पैदा कर दिया, कभी किसी विचार ने हीनता पैदा कर दी, कितने विचार आ गई, सारी शक्ति ख़त्म। तो शाम को उपासना के समय क्या करना चाहिए, फिर दोबारा भरना चाहिए उस घड़े को, और कोशिश करनी चाहिए कि वो छेद जो है वो उसको बंद किया जाए। तो हमारे ऋषि ऐसे करते थे, उन्होंने वो सारी की सारी शक्ति एकदम इकट्ठी कहीं ब्रह्म के ऊपर फोकस की, तो उनको फिर वो दिखाई दे गया, उसको ऐसे बहने नहीं दिया उन्होंने। इसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब शादी करना या ना करना इससे संबंधित नहीं है। ब्रह्मचारी तो जो शादी नहीं करते हैं, उनको तो सारी इंद्रियां वश में करनी ही चाहिए। वो तो ब्रह्म को ढूंढ ही रहा है, क्योंकि उसने संसार को ठुकराया है, क्योंकि वो संसार में तो संबंध जोड़ के उसको बढ़ाना नहीं चाहता है, तो उसको तो सब इंद्रियों को वश में करना ही करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने शादी की है, उनको भी कोई भोगों का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। वो भी एक जीवन की पद्धति है, ऋषियों ने ही बनाई है इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। जितनी भी एक दो संतानें वो पैदा करते हैं, उतनी देर के लिए तो उनको ब्रह्मचर्य का खंडन करना होता है, बाकी बिल्कुल नहीं करना होता है। और बाकी की जो इंद्रियां हैं, आँख नाक कान जिह्वा आदि, ये तो उनको भी ऐसे ही संयम में रखनी चाहिए जैसे कोई ऋषि रखते हैं, जैसे कोई सन्यासी रखते हैं। बाकी सारा उनके लिए भी बराबर है, संतान उत्पत्ति की अतिरिक्त। तो ये ब्रह्मचर्य 10वां पॉइंट था। अगला है भगवान में चित्त लगाना। जब व्यक्ति अभय भी होगा, जितेंद्रिय भी होगा, एकाग्र भी होगा, तो भगवान में चित्त अपने आप ही लगेगा। माने जो महानता में विचरण करने लग जाता है, तो महान तो भगवान ही है, तो मत चित्त ऐसे गीता में ही कह दिया है, तो फिर तुरंत उसका चित्त जो है वो ईश्वर में लग जाता है। नियमित जीवन, ये भी बड़ी पते की बात है। हम ये सारी चीज़ें जब सुनते हैं ना, तब तो कर लेते हैं, लेकिन एक दो दिन के बाद फिर हमारा जीवन में ना फिर ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ गीता में कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी दिन तो खूब पानी पूरी, मिर्च मसाले, चाट पकौड़ी सब खा लिए, और अगले दिन से बोले बस आज से केवल लौकी की सब्जी खाएंगे, या फिर 5-10 दिन लौकी की सब्जी खाई, एक दिन जाके फिर दारू पी ली। ऐसे नहीं होना चाहिए, नियमित जीवन होना चाहिए। सही समय पे जागना, सही समय पे सोना, सही समय पे खाना खाना, सही खाना खाना, ज़्यादा भी नहीं खाना, कम भी नहीं खाना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नियमित जीवन में, जीवन में कुछ नियम बना के रखने चाहिए, कुछ अनुशासन बना करके रखना चाहिए। तो ये 12 पॉइंट थे, और भी गीता में कुछ श्लोक हैं,
योगी युञ्जीत समत आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशी परि अपरिग्रह। योगी कैसा होता है? एकांत में अकेला रह करके चित्त और आत्मा का संयम करे और किसी भी काम्य वासना का मन में चिंतन ना करे और परिग्रह, अपरिग्रह माने फालतू अनावश्यक चीज़ों को अपने पास जोड़ करके ना रखे, अपना अधिकार ना समझे सांसारिक वस्तुओं पर, उनका अंदर से सतत त्याग करता रहे। बाहर से तो कुछ चीज़ें प्रयोग करनी पड़ती हैं पर अंदर से उनका सतत त्याग करते रहे और अंतःकरण को आत्मानम, उस अपने अंतर आत्मा को परमात्मा में स्थिर करता रहे। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित इंद्रिय क्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। एकांत स्थान में आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों के व्यापार को रोककर मन को एकाग्र करके आत्मशुद्धि के लिए वृत्ति निरोध योग का अभ्यास करे। और कैसे करे? ये महर्षि दयानंद ने भी दिया, ये गीता में भी है। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् नचलम स्थिर संप्रेक्षणाक्षिकाग्रम स्वम दिशश्च अनवलोकयन। स्थिति कैसी हो ध्यान करते समय? सम काय शिरो ग्रीवम, शरीर ऐसा हो कि ग्रीवा माने गर्दन, कमर और शरीर एक सीधी रेखा में हो, और धारयन अचलम स्थिरम, अचल होकर के वो फिर धारणा लगाए किसी एक स्थान पे। संप्रेक्ष नासिकाग्रम, यहाँ भी धारणा लगा सकता है नासिका के अग्रभाग पर, यहाँ देखता रहे तो गर्दन हिलेगी नहीं, यहाँ देखता रहे तो। और स्वम दिशश्च अनवलोकयन, बस केवल यहीं देखता रहे, इधर उधर दिशाओं में ना देखे, तो ये विधि है। युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। तो इस प्रकार जो योगी है वो अपने आप को योग में नियुक्त करता हुआ, मन को नियंत्रण में रखता हुआ, स्थिर चित्त से आंतरिक ध्यान के द्वारा पर ब्रह्म के स्वरूप में मग्न होने से मुझ में प्रतिष्ठा वाली निर्वाण रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। मत संस्थाम अधिगच्छति। और अगला तो जो मैंने बताया वही है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तं आत्मन्नेव अवतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्ता सर्वान् अशेषत मनसा एवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्तत शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थां मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियम्य एतत् आत्मनिवशं नयेत्। तो ये छठे अध्याय के लगातार श्लोक हैं। अब क्योंकि टाइम हो गया तो मैं आपको अर्थ नहीं बता पाऊँगी। ये छठे अध्याय के 18 नंबर श्लोक से लेकर के और 26 तक आप इन सब को पढ़ें, इनका अर्थ किसी भी पुस्तक में पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि ये ध्यान करने की, ये उपासना करने की विधि है। तो इस विधि से प्रतिदिन हम जितना भी टाइम हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन नियम से और एक अपने जीवन का नियत कार्यक्रम बना करके हमें ज़रूर इसको अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में धीरे धीरे दिव्यता का प्रवेश होने लगता है। भगवान करे ऐसा ही हो। आप सभी को प्रणाम करते हुए आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओ शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।